ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन जी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। वॉइस क्लियर है मेरी, आवाज साफ आ रही है? रश्मिता, काजल, कार्तिक, तो एक बार मैं लिंक फॉरवर्ड करूँ। गुड इवनिंग हर्षद, जस्ट अ मिनट। चलो जी, आते हैं मुद्दे पे और शुरू करते हैं डिस्कशन, ठीक है? तो 1990 से 2022 तक के जो PYQs मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है, आज उसमें हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज पे। ऑलमोस्ट सब बच्चों ने पढ़ रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वालों ने तो ऑब्वियसली पढ़ रखा है, बाकी के जो बच्चे हैं उम्मीद है कि पढ़ रखा होगा, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग सभी को। मुद्दे पे आते हैं, शुरू करते हैं डिस्कशन। देखो, आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी क्लास है, ठीक है। एक सेकेंड, सीक्वेंस एंड सीरीज PYQs। हाँ, आज ज्यादा PYQ नहीं कर पाएंगे, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की क्लास होगी, ठीक है। तो 5-7 PYQ कर लेंगे जितने भी होते हैं, ठीक है। उससे पहले ध्यान रखना, एक तो जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है यार, ठीक है, दैट इज फ्रॉम 13th of July। ये जो बैच है, ये है 125 days रोड मैप टू कैट 23 कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ठीक है। इसमें मैं आपको मिलूंगा, ठीक है, मैं रवि सर, हम ये सारे एडुकेटर आपको मिलेंगे। स्टार्टिंग में मैं इसमें ज्योमेट्री कराऊंगा, रवि सर आपका अलजेब्रा करा रहे होंगे, उदय सर LRDA, शबाना मैम VRC, ठीक है। तो इस तरीके से कोर्स स्टार्ट होगा एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया 125 डेज में, ताकि आपका सिलेबस तरीके से कराया जा सके, ठीक है। चल, फिलहाल हम लोग मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं डिस्कशन। और बाकी ये ध्यान रखना, ये ऑफर भी अभी कितना है, 20,000, ठीक है। 20,000 का आपका सब्सक्रिप्शन है, 6 मंथ का, 2 मंथ उस पर फ्री मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने फ्री है, 20,000 का आपका सब्सक्रिप्शन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लस आइकॉनिक जो भी ठीक लगे वो पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन लेके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ये जो स्टार्ट हो रहा है 13th से, ठीक है। चलो, फिलहाल आते हैं मुद्दे पे और शुरू करते हैं। सर, मैं जितना पहले पढ़ा है भूलता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छी बात, जल्दी रियलाइज हुआ दीपांजन, ये अच्छी बात है, ठीक है। अभी भी 4.5 महीने बचे हैं भाई, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन पे फोकस करो, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। जबरदस्ती सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने पे फोकस मत करना, ठीक है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है, ये बात का ध्यान रखना। चलो सर, शुरू करते हैं फिलहाल पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का, एक बार आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन है आपका CAT 22 का, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करो और मैं पोल क्रिएट कर देता हूं, 1 मिनट देना बस। ओके, चलो एक बार ट्राई करना फटाफट से। क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। ऑन डे वन देर आर 100 पार्टिकल इन अ लैब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ऑन डे एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, वन आउट ऑफ एवरी एन पार्टिकल, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा, इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना क्या बोल रहा है ये। वन आउट ऑफ एवरी एन पार्टिकल प्रोड्यूस अनदर पार्टिकल, ठीक है। एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेस टू 1000 ऑन डे एम, तो एम की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। दिव्यांशी एंड अथर्व, इस क्वेश्चन में जो मेन स्टेटमेंट है ना, जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, वो ये वाली है कि आउट ऑफ एवरी एन पार्टिकल, ठीक है ना, आउट ऑफ एवरी एन पार्टिकल, बस इस पे ध्यान देना आपने, ठीक है। चल समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो
क्वेश्चन से पता लग रहा है कि सर अगर हम डे वन पे बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम डे पे बात करें तो डे वन कितने पार्टिकल्स हैं, डे वन पे पार्टिकल्स कितने दिख रहे हैं आपको, दैट इज 100, ठीक है। अब डे टू पे कितने पार्टिकल हो जाएंगे, डे टू पे, ये तो बात होगी डे वन की, डे वन 100 है, डे टू कितने होंगे, देखो क्या कहता है, ऑन डे एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है, मतलब इसको मैं एन में कंसीडर करूंगा, डे टू इस वाले में आएगा क्योंकि एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो टू टू के इक्वल है। कहता है वन आउट ऑफ एवरी एन पार्टिकल प्रोड्यूस अनदर पार्टिकल, यानी 100 तो है ही, ठीक है, 100 डे वन पे थे, 100 अभी भी है, लेकिन इंक्रीज कितने हुए, तो मैंने बोला क्या, वन आउट ऑफ एवरी एन पार्टिकल। अब एन की वैल्यू मैंने यहां पे 2 लिया, अगर डे टू की मैं बात कर रहा हूं तो इट मींस मैं एन की वैल्यू 2 ले रहा हूं, तो वन आउट ऑफ टू ऑफ एवरी पार्टिकल, तो 100 का 1 आउट ऑफ 2 कितना हो गया, दैट इज 50, तो 50 इंक्रीज करो कितने हो गए, 150 हो गए। ये जो लाइन लिखी है ना, 1 आउट ऑफ एवरी n, तो 1 आउट ऑफ एवरी n मतलब 1 बाय n, फिर जितने भी पार्टिकल्स है। अब डे 3 क्या होगा, आई थिंक अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, डे 3 कितना होगा, सर 150 तो है ही, लेकिन अब क्या होगा, 1 आउट ऑफ n, n कितना लिया मैंने 3, तो 1 आउट ऑफ 3 कितने का, 150 का इंक्रीज हो जाएगा, कितने इंक्रीज हो गए सर, 150 में 50 इंक्रीज हो गया, तो कितने बन गए, दैट इज 200 बन गए। तो अगर आप देखो 1 आउट ऑफ 2 कितना था सर, 1 आउट ऑफ 2 था 50, तो बेसिकली 100 में 50 इंक्रीज हुआ 150, 150 में 150 का 1/3 यानी अगेन 50 इंक्रीज हुआ 200, और ऐसे अगर मैं डे 4 पे बात करूं तो 200 है, फिर उसके बाद क्या होगा, 1 आउट ऑफ 4 ऑफ 200, 1 आउट ऑफ 4 ऑफ 200 कितना हो जाता है सर, 200 में 50 ऐड कर दो, तो आई गेस बात पकड़ में आ गई सभी के, सबको बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि सर ये एपी बन गई, ठीक है ना, ये चीज बहुत क्लियरली दिख रही है सभी को कि सर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एपी क्रिएट हो चुकी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपने ये पूछा है कि बताओ कौन से दिन 1000 होंगे, अब इसको आप वैसे बड़े आराम से वैसे भी बता सकते हो कि सर डे वन पे कितने हैं, सर अगर देखें तो डे वन पे कितने हैं, दैट इज 100, फिर हर दिन 50-50 इंक्रीमेंट आ रहा है, आपको कितना इंक्रीमेंट चाहिए भाई, आप 100 पार्टिकल आपके पास है और आप चाहते हो 1000 हो जाए, तो आपको इंक्रीमेंट कितना चाहिए, आप क्या चाहते हो कितना इंक्रीज हो जाए, तो आप चाहते हो सर 900 इंक्रीज हो जाए, 100 से 1000 होना मतलब 900 इंक्रीज हो जाए, हर दिन कितने इंक्रीज होते हैं 50, तो 900 इंक्रीज होने में कितने दिन लग जाएंगे, 50 से डिवाइड कर दो तो 18 दिन लग जाएंगे, ठीक है, तो टोटल कौन सा नंबर ऑफ डे है जिस दिन 1000 होंगे, तो जवाब हुआ सर 18+1 यानी कि 19th डे पे। क्या कोई डाउट है किसी बच्चे को, एक बार चैट के थ्रू बताना, क्या ये बात समझ आ गई, खुशी, मंगेश, अंश वगैरह जो भी है, एक बार चैट के थ्रू बताना, क्लियर है, सिंपल है। देखो इस क्वेश्चन का जो मैंने बोला एक ही की पॉइंट था जहां पर, जिसकी वजह से मुझे लगता है बच्चों से नहीं हो पा रहा होगा इस लाइन को समझना, दैट इज 1 आउट ऑफ एवरी एन पार्टिकल, ठीक है, तो 1 आउट ऑफ 2 ऑफ 100, 1 आउट ऑफ 3 ऑफ 150, 1 आउट ऑफ 4 ऑफ 200, ऐसे ऐसे करके। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है पीवाईक्यूज में, ठीक है, तो ये था आपका पहला पीवाईक्यू जो कि कैट 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप लोग ट्राई करो, होता अच्छी बात है, नहीं तो मैं कराता हूं। Consider the arithmetic progression, एक arithmetic progression है आपके सामने, जिसमें कि an का मतलब है sum of the first n terms of this progression, then find the value of, एक second, question अधूरा है, एक second, question complete नहीं है, then find the value of 1 upon 25, ये sum का symbol होता है, summation, जिसमें कि n की value 1 से लेकर के 25 तक है, और यहाँ पर लिखा है ए एन, इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, मैं टाइमर बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो 1/25, ठीक है, 1/25, फिर ये समेशन का सिंबल जहां पे एन की वैल्यू 1 से लेकर के 25 तक आपको लेनी है, और किसको कैलकुलेट करना है, ए एन को, ठीक है, करो कैलकुलेट। मंगेश बहुत अच्छे, आपने कुछ मैसेज भी लिखा था मंगेश, एक बार पढ़ेंगे क्या कह रहे थे आप। सर मैं बढ़िया मंगेश शाश्वत, सॉरी नहीं शाश्वत नहीं, क्या ना शशांत, ओके
बहुत अच्छे हैं, शुभम एंड जो भी बच्चे। विकास बहुत अच्छे, हर्षित ये भी क्वेश्चन आपका कैट 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर देखना ये आपको कह रहा है यहां पर एस ए एन का मतलब क्या है, यहां पर कह रहा है कि जो ए एन है, ए एन का मतलब है दैट इज सम। एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है सभी बच्चों को पता होगा सर, सम का फॉर्मूला होता है एन बाय टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन बी, ये बात सबको पता है राइट। तो अगर आप इस एपी को देखो तो इस एपी में ए कितना है यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है दैट इज सर 3 है और डिफरेंस कितने का चल रहा है 7 में से 3 या 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो अगर आप ए एन निकालोगे, ए एन जिसको कि सम बोला गया है दैट इज एन बाय टू ब्रैकेट में टू ए, टू ए का मतलब हो गया 2 × 3 प्लस एन माइनस वन और डी कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा आपका सर, ये हो गया एन बाय टू ब्रैकेट में 3 × 2 = 6 और ये हो गया सर मेरा 4n माइनस में 4 हो गया, जो कि बेसिकली सर मेरा बना n बाय टू ब्रैकेट में 2 प्लस में 4n हो गया। फिर इस n बाय टू को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये n हो जाएगा और प्लस में ये 2 इसको काटेगा तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है बात क्लियर है सभी बच्चों को राइट है। अब आपको क्या करना है, आपको इसी का सम बताना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सम बताना है किसका, दैट इज n की वैल्यू 1 से लेकर के 25 तक, किसका an का, और an क्या है आपका दैट इज सर 2n स्क्वायर और प्लस में n है राइट, क्या है 2n स्क्वायर प्लस n और इसके बाहर मल्टीप्लाई में 1/25 भी है। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे ख्याल से बात सबको पता होगी, मैं थोड़ा डिटेल में लिखता हूं क्योंकि कई बच्चे हो सकते हैं यहां पर ये टॉपिक उतना ज्यादा बेहतर तरीके से ना आता हो इसलिए सुनना। सबसे पहले आप सम किसका निकालोगे, सबसे पहले सर मैं सम निकालूंगा किसका 2n स्क्वायर का, तो 2 को बाहर कर दो क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट है और n स्क्वायर 1 से लेकर के 25 तक, प्लस फिर सर मैं सम निकालूंगा 1 से 25 तक किसका दैट इज n का। आप सबको पता है ना, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सबको पता होगा कि अगर मैंने ऐसे n स्क्वायर लिखा और 1 से 25 लिखा है, इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर के अगर आप 25 तक का स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा। फॉर्मूला सबको पता है दैट इज n n प्लस 1 2n प्लस 1/6, क्या ये मैं मान सकता हूं यस और नो, ये फॉर्मूला सबको पता है ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो आपको क्या करना है इसको समझना, सबसे पहले तो ये आपका 1/25 हो गया ठीक है, 1/25 ब्रैकेट यहां पर 2 इनटू, अब इधर आ जाओ आपको n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से 25 के स्क्वायर तक, 1 के स्क्वायर से 25 के स्क्वायर तक सबको ऐड करना है, इसका मतलब यही हुआ अगर लिखा है सिग्मा 1 से 25 n स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर से 25 तक के स्क्वायर को ऐड करना है। फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1/6, n मतलब 25 तो 25, फिर आता है n प्लस 1, n प्लस 1 मतलब कितना 25 और 1 26, फिर आएगा 2n प्लस 1 यानी 2 × 25 प्लस 1 यानी कि 51 और बाय 6, बात क्लियर सभी को। फिर आ जाओ प्लस, अब यहां पर सिर्फ n लिखा है और 1 से 25 मतलब पहले n की जगह 1 डाला फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे 25 तक, तो बेसिकली 1 से 25 तक आपको ऐड करना है, 1 से 25 तक ऐड करना है। फॉर्मूला क्या होता है n n प्लस 1/2, पता है ना सबको नेचुरल नंबर को ऐड करना है तो फॉर्मूला होता है n n प्लस 1/2, n कितना 25 नंबर है तो 25 इंटू 26 बाय 2, क्या ये बात क्लियर सभी को। अब आप क्या करोगे कैलकुलेट कर लेना, तो सबसे पहले ये 2 इसको कैंसिल आउट करेगा 3 पे और 3 इसको कैंसिल आउट कर देगा 17 पर और ये 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा 13 पर। एक चीज ध्यान से सुनना, पूरा मल्टीप्लाई मत करो, अगर आप देखो उसने आपकी हेल्प करी है क्योंकि एग्जामिनर को पता होगा कि यहाँ पे 25, 26 और 17 को मल्टीप्लाई करने में बच्चे का टाइम वेस्ट होगा, तो इसने क्या किया बाहर 1/25 लिखा है, मतलब अगर आप यहाँ से 25 कॉमन निकाल लो दोनों तरफ से तो ये 25 सॉल्व हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 1/25 और इस 25 को मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा दैट इज 17 × 26, 17 × 26 कितना हो जाता है आपका
17 सिक्सा कितना हो गया 102, 10 कैरी किया और 34 और 10 44 ये हो गया और 13 ऐड कर लो तो 455 हो जाएगा, ये हो गया 455, फिर आपका 25 से 25 कट गया और 455 आपका कहीं ना कहीं आंसर है। क्या ये बात पकड़ में आई? बाकी ध्यान रखना आपको समझाने के लिए इतना एक्स्ट्रा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना है। मुझे लगता है जिस बच्चे को क्लैरिटी है वो इतना नहीं लिखेगा, आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूं, पर ये बात समझ आ गई होगी सभी को, खुशी सुचंदा जो भी बच्चे हैं, वैलिड। नेक्स्ट पे आ जाए। चलो सर 22 का ये था आपका क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन पहला हमने किया 22 का एक क्वेश्चन, ठीक है, और अगला क्वेश्चन 22 का। आप बस ये जज करो कि आपको क्या कुछ नया जानने को मिल रहा है, क्या ये सब बातें हमने पढ़ नहीं रखी अपने, अगर आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है तो ये मैंने पढ़ा रखा होगा ऑब्वियसली, राइट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसको ट्राई करना एक बार। For any natural number n, suppose the sum of the first n terms of an arithmetic progression is this. If the nth term of the progression is divisible by 9, then the smallest value of n. So n ki smallest value kya hogi? पर आप बहुत अच्छे यश, अच्छा अभी ना जो स्पेशल क्लास है ना वो मैं 3 PM रखा करूंगा एक फिक्स टाइम पर, क्योंकि मुझे लगता है टाइम आगे पीछे होता है ना, बच्चों का भी शेड्यूल खराब होता है, ठीक है, तो 3 PM पे रखा करूंगा मैं। और अभी फिलहाल में जो स्पेशल क्लास थे वो टेस्ट तो अलग है, आप सबको पता है ना वो वेडनेसडे और सैटरडे जो टेस्ट चलता है वो तो अलग है, वो तो 7 PM फिक्स है, ठीक है। बाकी ये जो मैं PYQs वगैरह करा रहा हूँ ये 3 PM सेशन रखूंगा मैं, जैसे आज मैंने 6:30 रख दिया लेकिन कल से 3 PM ही रखूंगा। ओके प्राग, यश, शशांक, मेरे ख्याल से ये भी कैट 22 का ही क्वेश्चन है। हाँ ये भी कैट 22 का क्वेश्चन है, देख रहे हो, इसलिए मैं कह रहा था सीक्वेंस सीरीज अच्छे से पढ़ के जाओ, मतलब सीक्वेंस सीरीज को, वो जो याद है मैंने एक वीडियो डाली थी 70% ग्रिप्ड सिलेबस, जिसमें कि कोई टॉपिक ऐसे टॉपिक जो आपको जरूर पढ़ के जाना है, सीक्वेंस सीरीज जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। और ये चीज फैक्ट है कि जितना मैंने पढ़ाया उसी में से ही आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है ना। ओके अभी तो सीक्वेंस सीरीज ही चलेगा रितिका, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज के अगर मैं 1990 से 2022 तक के क्वेश्चन देखूं तो लगभग मुझे लगता है 40 क्वेश्चंस हैं, लगभग 40 क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, तो ऑब्वियसली आने वाले 3-4 दिन यही चलेगा, ठीक है। ओके मुद्दे पे आते हैं, सुनना बात को। यहां पर इसने आपको SN डिफाइन कर रखा है, अगर आप देखो तो इसने बोला फॉर एनी नेचुरल नंबर एन सपोज द सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि जो एस एन है उसको डिफाइन कर रखा है दैट इज n प्लस 2n का स्क्वायर, सिंपल। उसने sn को खुद से डिफाइन कर दिया कि भाई जो भी इस AP आएगा वो इस फॉर्म में होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने एक AP लिखता हूं दैट इज 3, 7, 11 और 15 एंड सो ऑन, अगर मैं बोलूं यहां पर A1 क्या है तो आप बोलोगे सर 3 है, और अगर मैं आपसे बोलूं S1 क्या है मतलब पहली टर्म का सम, तो सर पहली टर्म का सम 3 होगा, मतलब मैं कह सकता हूं जो S1 है वो A1 के इक्वल होता है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं S2 कितना है, S2 मतलब दो टर्म्स का सम, तो दो टर्म का सम कितना है 7 और 3, 10। अब एक बात बताओ, अगर मैं दो टर्म के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दूं, दो टर्म का सम मतलब क्या A1 प्लस A2 और एक टर्म का सम मतलब क्या A1, तो कहीं ना कहीं A2 ही तो आएगा, यस और नो भाई? S1 जो होता है वो A1 के बराबर होता है, और अगर आपने S2 में से S1 माइनस कर दिया तो आपका A2 आ जाएगा, दो टर्म के सम में से एक टर्म के सम को माइनस करोगे A2 आएगा। ये बात क्लियर है सभी को जो भी बच्चे हैं, शशांत, खुशी वगैरह जो भी है, सिंपल। अब यहां मैंने आपको SN दे रखा है तो आप S1 निकाल सकते हो, सर क्या होगा S1 दैट इज 1, क्योंकि ये N है, ये N है, ठीक है, तो सर 1 + 2 × 1 का स्क्वायर बोले तो 3। अगर मैं बोलूं S2 कितना होगा
तो सर 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 8, 10, कितना हो गया सर, 10 हो गया। सिंपल बात है, डन, यहां तक क्लियर पिक्चर। अब आप कह सकते हो कि सर जो A1 है वो कितना है आपका, 3 है, और जो A2 है वो कितना होगा सर, 10 - 3 मतलब कि 7 होगा। तो सर डिफरेंस कितने का आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस दैट इज 7 - 3 यानी कि 4 आ गया, राइट। सिंपल चल रही पिक्चर। अब इसने कहा nth टर्म, आप nth टर्म लिखो, एपी में nth टर्म कैसे लिखी जाती है, a प्लस एन माइनस वन डी, ए कितना आपका 3 प्लस एन माइनस वन और d कितना है 4, तो कितना हो गया आपका दैट इज 4n और ये माइनस का 4 ये 3 यानी माइनस 1। अब ये कह रहा है जो आपकी nth टर्म है, nth टर्म पता है ना सभी को, जैसे एपी में Sn का फॉर्मूला होता है n by 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1d, An का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1d, तो ये हो गया 4n minus 1। अब मैंने आपसे ये पूछा है कि जो nth टर्म है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो बताओ n की छोटी वैल्यू क्या होगी। अब आप एक बात बताओ, n आप ऐसे ट्राई कर लो इसको, आप खुद सोचो, अगर मान लो n की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं n की वैल्यू लेता हूं 1, तो मेरा 4n minus 1 कितना आएगा सर, 4 1 जा 4 में से 1 गया 3, अगर मैं 2 लेता हूं 4 2 जा 8 minus 1 7, अगर 3 लेता हूं सर 12 में से 1 गया 11, अगर मैं 4 लेता हूं सर 16 माइनस 1 15, अगर मैं 5 लेता हूं सर 20 में से 1 गया 19 हो जाएगा, अगर मैं 6 लेता हूं सर 24 में से 1 गया 23, लेकिन मैं 7 लेता हूं तो 7 4 जा 28 माइनस 1 27, 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू 7 पे सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या ये बात समझ आई सभी को, बेसिकली कुछ नहीं करना, 4 के मल्टीपल में से 1 माइनस करना है और आपने देखना 9 से डिवाइड हो जाए, तो 4 के मल्टीपल में से 1 माइनस करना है और आप चाहते हो 9 से डिवाइड हो जाए तो मिनिमम वैल्यू 7 होगी। डन है, कोई डाउट नहीं किसी को भी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं, राइट है। चलो आगे बढ़े, फिर बिना टाइम वेस्ट किए मुद्दे पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज ऑफ कैट 22। तो अभी कैट 22 के हम लोगों ने तो कैट 22 में हर स्लॉट में एक क्वेश्चन आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का था, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, तो हर एक स्लॉट में एक क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का आया था। अब आते हैं सर कैट 21 की जर्नी पे चलते हैं, ये तो बात खत्म हुई कैट 22 की, अब आ जाओ कैट 21 पे। तो ये क्वेश्चन है आपका कैट 21 का, एक बार ट्राई करो, अगर होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कराता हूं। देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर x1 x2 x3 .. सच दैट xn + 1 इज इक्वल टू xn + n - 1, n is greater than equal to 1, अगर s1 की वैल्यू -1 है तो x100 क्या होगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं आइटरेटिव सीरीज कहते हैं। आइटरेटिव सीरीज में क्या होता है, जिसमें कि बेसिकली एक टर्म वो आपको बता देता है और फिर nth टर्म को डिफाइन करता है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपने 4-5 नंबर लिखने होते हैं और पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है कि पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। समझ गए ना क्या करना है, आपने बेसिकली x1 x2 x3 x4 4-5 टर्म लिखनी होती है और फिर हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है कि भाई पैटर्न क्या चल रहा है इसमें, और उसी के बेसिस पे वो जो भी टर्म आपसे पूछेगा आप उसको बता सकते हो। कशिका बहुत अच्छे, अच्छा बेसिकली पैटर्न पकड़ में नहीं आया, ठीक है आप समझते हैं। और जैसे मैंने बोला यार, आप फिलहाल में जब PYQs करते हो, ठीक है, अभी बहुत प्रैक्टिस नहीं करी होगी, ठीक है, तो इसलिए हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो पा रहे हो, बट एक बार ट्राई करो, ये देखो कि कुछ नया तो जानने को नहीं मिल रहा ना किसी भी PYQ में, ठीक है ना। देखो बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर देखूं, मैंने क्या बोला, जब इसे देखो
मेन क्या होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको लगे कि उसने ना nth टर्म को डिफाइन कर रखा है, जैसे यहाँ पर nth टर्म को डिफाइन कर दिया कि भाई nth ऐसे बोल रखा है कि एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन और फिर प्लस वन माइनस वन ऐसे करके कुछ भी कि प्लस एन माइनस वन, तो बेसिकली nth टर्म को वो डिफाइन कर रहा है और बदले में आपको एक या दो टर्म बता दे, जैसे यहाँ पर एक टर्म बता रखी है आपको, फर्स्ट टर्म बता रखी है दैट इज माइनस वन, तो आपने क्या करना होता है, पहले आपने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव ऐसे चार पांच नंबर लिखने होते हैं, मतलब तब तक लिखने होते हैं जब तक कोई पैटर्न ऑब्जर्व ना कर लो आप, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो x1 कितना है, दैट इज सर माइनस वन है। अगर मान लो मैं x2 निकालता हूं, अगर मान लो मैं यहां पर x2 निकालता हूं, तो मुझे ये बता दो, आप सभी चैट में लिखना फटाफट से, कि ये जो इसने डिफाइन कर रखा है, ये जो इसने डिफाइन कर रखा है, अगर इसके थ्रू आप निकालना चाहते हो x2, तो आप n की जगह कितना लोगे, n की जगह क्या लोगे ताकि x2 आ जाए। सर 1 लूंगा मैं। जब आप n की जगह 1 लिखोगे, क्योंकि जब आप यहां पर n की जगह 1 लिखोगे तो आपका x2 निकल के आएगा, राइट है। तो x2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n की जगह 1 लेना पड़ेगा, तो आपका x2 आएगा और वो क्या होगा, दैट इज सर x1 प्लस 1 माइनस 1। इस पे ध्यान देना, 1 माइनस 1 पे, पूरा कैलकुलेट मत करो, पहले 1 माइनस 1 पे ध्यान दो, बस इतना लिख के छोड़ दो, क्योंकि हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है। देखो अगर आपने चीज को ऐड कर दिया, अगर आपने चीज को ऐड कर दिया, जैसे मेरी बात समझो, अगर मैं आपके सामने लिखूं 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, तो आप पैटर्न पकड़ पा रहे हो कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं कि भाई 1 2 2 3 3 4 4 5। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व भी कर दूं कि ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, 20 हो गया, अब सोचने में टाइम लगेगा, राइट है। तो जब आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है तो सॉल्व मत किया करो, अभी फिलहाल लिख के छोड़ दो कि भाई x2 जो है वो है x1 plus 1 minus 1। क्या ये बात क्लियर है कशिका रितिका जो भी बच्चे हैं, राइट। पैटर्न ऑब्जर्व करना है क्योंकि हमें, चलो अब आ जाओ इधर। अब इसी तरीके से अगर मान लो मैं x3 निकालता हूं, तो x3 मेरा क्या आएगा, x3 के लिए आपको n की जगह 2 यूज करना पड़ेगा, तो आपका x3 आएगा, जो कि क्या होगा सर, ये होगा x2, x3 जो है वो बेसिकली होगा x2 और प्लस में 2 माइनस 1, x3 जो है वो x2 प्लस 2 माइनस 1, ये ऐसे चलेगा सर, राइट। तो ऐसे कर करके, अब देखो 2 माइनस 1, अब ऐसे ही आपको अगर x4 निकालना है तो x4 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज सर x3 प्लस में 4 माइनस 1। तो ये बात मुझे यहां से समझ में आई, अच्छा कि इसका मतलब अगर मुझे x100 निकालना होगा तो दैट विल बी x99, कितना होगा x99 प्लस, अब देखो अगर 4 है तो यहां पर 4 है, 3 है, नहीं ये गलत लिखा है ना मैंने, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 3 आएगा, ठीक है। जब यहां पर 2 है तो यहां पर 1, ऑब्जर्व अगर मैं करूं, यहां 2 तो यहां 1, यहां 3 तो यहां 2, यहां 4 तो यहां 3, यहां 100 तो यहां पर क्या आएगा 99 आएगा और माइनस में 1। उम्मीद है कि ये बात सबको समझ में आई है, पहले तो मुझे इतना बता दो आपको, ठीक है। पहले बस इतना बताना कि आई गेस ये बात सभी को क्लियर है अच्छे से, राइट, बहुत बढ़िया जी। अब पॉइंट ये है कि सर यहां पर मैं x99 कैसे निकालूंगा, जैसे मुझे ये तो समझ में आ गया सर कि x99 में बेसिकली मुझे 98 को ऐड करना है, ठीक है ना, 98 मुझे ऐड करना है, पर मैं x99 कैसे निकालूंगा। अब अगला सवाल आपका ये होगा, जाहिर सी बात है, तो यहां पर देखो 1 में से 1 अगर मैं माइनस करूं 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, समझ रहे हो, देखो यहां पर क्या 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यानी अगर मैं पहली टर्म देखूं तो पहली टर्म मेरी माइनस 1 लिखी है, ठीक है। फिर अगली टर्म मेरी क्या आ रही है, अगर आप देखो ध्यान से देखना, पहली टर्म आपकी माइनस 1 है, फिर उसके बाद क्या हुआ है, अगर आप देखो तो माइनस 1 में, क्योंकि ये आंसर क्या आ रहा है आपका, दैट इज x1 प्लस 0, यानी माइनस 1 में 0 ऐड करोगे तो आपका माइनस 1 आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ है, फिर अगली टर्म में क्या हो रहा है, जो ये है आपका x1 और ये है आपका x2। फिर जब आपको x3 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ा, x3 निकालने के लिए आपको x2 में 1 ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहां पर आपने ऐड किया 0, यहां पर आपने ऐड कितना किया सर, यहां मैंने ऐड किया 1, यहां पर 1 ऐड किया, तो 1 ऐड करने पे कितना हो गया मेरा, दैट इज 0 हो गया। फिर जब आपको x4 निकालना है तो x4 के लिए क्या करना है, x3 में 2 ऐड करना है, मतलब यहां पर आपको 2 ऐड करना हुआ तो 2 आएगा। ऐसे x5 निकालना होगा तो यहां पर कितना ऐड करना पड़ा आपको, सर यहां पर मुझे ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप बोल सकते हो सर 3, यानी कि 5 आएगा, बात आ रही है समझ में। फिर ऐसे ही करते कराते आपको क्या करना है, x99 निकालना है, सॉरी x100 निकालना है, ठीक है, क्या करना है, x100 निकालना है। तो अब जरा कहानी को करना ऑब्जर्व, ध्यान से देखो, अब जरा ऑब्जर्व करो, देखना ध्यान से देखो, जब आपको x2, देखो ये है आपका x1, ये आपका x1 है, ठीक है। जब आपको x2 निकालना था, यानी x2 निकालना था, तो आपने 0 ऐड किया, मतलब इसमें 0 ऐड किया ताकि आपका ये आ जाए।
फिर आपको X3 निकालना है तो आपने 1 ऐड किया, फिर आपको X4 निकालना है तो आपने 2 ऐड किया। तो इन शॉर्ट मैं यहां पर एक बात ये समझ सकता हूं, अगर आप ध्यान से समझो इस चीज को समझना, कि जब आपको, क्योंकि जीरो का अगर आप कंसीडर करना चाहते हो तो करो, नहीं तो ऐसे समझो कि अगर मान लो आपको X4 निकालना है तो X4 निकालने के लिए क्या करना पड़ा, जो X1 है विच इज -1 उसमें कितना ऐड किया आपने, सर उसमें मैंने ऐड किया 0 1 2 0 1 2, ये ऐड किया मैंने X4 निकालने के लिए, मैंने कितना ऐड करा 0 1 2। अगर आपको X5 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ा, आपको -1 के अंदर कितना ऐड करना पड़ा सर, 0 1 प्लस 2 प्लस 3, ये ऐड करना पड़ा। तो क्या मैं यहां से ये समझ सकता हूं कि इसका मतलब अगर मुझे X100 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, X100 निकालने के लिए मुझे -1 के अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा, 0 1 2 से कहां तक, जरा चैट में बता दो कहां तक ऐड करोगे, 98 तक करेंगे राइट, क्योंकि जब 4 निकालना है सर, जब X4 निकालना है तो 2 ऐड करना पड़ा, X5 निकालना है तो 3 तक ऐड करना पड़ा, यहां पर मुझे 98 तक ऐड करना पड़ेगा। अब आंसर क्या होगा सर, -1 और 1 से 98 अगर आपको नेचुरल नंबर ऐड करने है तो फॉर्मूला क्या होता है, n n+1 यानी 99 डिवाइडेड बाय 2। आई होप ये बात सारे बच्चे यहां पर बैठे जितने भी है सब समझ गए होंगे। तो यहां पर क्या होता है, इसे हम लोग आइटरेटिव सीरीज कहते हैं, जिसमें सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है। तो अगर आप देखो, पहले मैंने X1 लिखा, ठीक है, X1 मेरा -1 आया, फिर मैंने X2 को ऑब्जर्व करा, भाई 0 ऐड हो रहा है, X3 के लिए 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, तो मतलब अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो -1 के अंदर मुझे 0 1 2 ऐड करना है, X5 निकालना है तो 0 1 2 3 ऐड करना है, तो ऐसे X100 निकालना है तो -1 में 0 से 98 तक ऐड करना होगा। अब जब आप कैलकुलेट करोगे सर, 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा कितने पे, दैट इज 49 पे। अच्छा कई ऑप्शन है जिनके लास्ट में 0 है, ओके, 2 ऑप्शन है जिनके लास्ट में 9 लिखा, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, कितना अगर मल्टीप्लाई करने पे, अगर मैं इसको करता हूं तो सर 49 into 100 4900 हो जाएगा, उसमें से आप माइनस कर लो 49, तो सर ये हो जाएगा आपका, दैट इज 4851 हो जाएगा, राइट, कितना हो गया 4851, उसमें प्लस 1 करोगे तो 4850 विल बी द आंसर। नहीं कुछ गलत किया गया, नहीं ये तो रहा 4850, सॉरी, समझ आए सभी बच्चों को, एक बार चैट के थ्रू बताएंगे या दोबारा एक्सप्लेन करूं। देखो मैंने क्या बोला, देखो पहले मैंने ना एकदम एक स्टूडेंट के तौर पे, ताकि यार एक तरफ आप गलत अप्रोच पे भी जा सकते हो, इसलिए बात को समझेंगे दोबारा। देखो सबसे पहला क्या आया कि भाई आपका जो X1 है वो कितना है सर, -1 है। अगर आपको X2 निकालना है तो X2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बात सबको क्लियर है कि n की जगह 1 लेना पड़ेगा, तो दैट विल बी कितना हो जाएगा, X1 plus 1 minus 1, तो मैंने बोला X1 कितना है, -1 plus 0, यानी आंसर आएगा -1। फिर मैंने कहा अगर मुझे X3 निकालना है तो मुझे X2 के अंदर क्या करना पड़ेगा, दैट इज +2 minus 1 करना पड़ेगा, मतलब X2 कितना है मेरा, अगर मैं X2 को ऑब्जर्व करूं तो X2 मेरा -1 आया था, ठीक है, इनफैक्ट एक काम करो यहां पर रुक जाओ, -1 के अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहां से मेरा -1 आएगा, क्योंकि X2 क्या था, ताकि आप पैटर्न ऑब्जर्व कर पाओ, ठीक है, या मैं पूरा ही कर देता हूँ, -1 हो जाएगा और ये X2 कितना है मेरा, -1 है, और प्लस में 2 minus 1 1, यानी कि 0 आया। उसके बाद अगर मैं X4 पे जाता हूं तो दैट विल बी X3 plus कितना हो जाएगा, 3 minus 1, यानी कि 0 में ये हो गया आपका +2, तो ये बेसिकली 2 आ गया, राइट है। फिर उसके बाद अगर मैं X5 ऑब्जर्व करूं, अब यहाँ पे 3-4 टर्म लिख लेना, वैसे 5 में लिख रहा हूं बट ठीक है, 3-4 भी काफी है, 4 minus 1, तो क्या होगा X4 के अंदर, X4 कितना आपका, X4 है मेरा बेसिकली 2, ठीक है, तो आपने क्या करा, 2 में 3 ऐड करा और दैट विल बी 5। लेकिन मुझे लगता है अब ऑब्जर्व करना, पहले तो आपने लिख दिए, पहले तो आपने 3-4 टर्म लिख दी, लेकिन अब आपको ऑब्जर्व करना है, X100 पे जाने के लिए अब आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि पक्की बात है पैटर्न चल रहा है। अब पैटर्न कैसा ऑब्जर्व होगा उसको देखते हैं। आप यहां पर देखो, अगर आपको निकालना था X2, तो X2 डिपेंड कर रहा है X1 पे, X3 डिपेंड कर रहा है X2 पे, ऑब्जर्व करो, X2 X1 पे डिपेंड कर रहा है, X3 इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इधर डिपेंड कर रहा है, इधर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब ये X99 पे डिपेंड करेगा। लेकिन फिर आएगा कि भाई X99 कैसे कैलकुलेट करूं, तो मैं और डेप्थ में गया, तो मैंने एक चीज समझी क्या, कि भाई जो मेरा X1 है, मेरा X1 क्या बेसिकली -1 है, तो पहले क्या हुआ, -1 में क्या ऐड हुआ आपका, जो -1 है उसमें ऐड हुआ सर 0, उसमें ऐड हुआ 0, है ना। फिर उसके बाद क्या ऐड हुआ सर, अगर आप देखो -1 था आपका, क्योंकि ये क्या था आपका, X2 क्या था बेसिकली, दैट वाज -1 था, X2 क्या था -1, अगर आप X2 को देखो
एक्स टू क्या था आपका, दैट वॉज सर माइनस वन और प्लस जीरो. अब फिर उसके अंदर क्या हुआ सर, वन एड हुआ, क्योंकि x, ये x2 क्या था आपका माइनस वन प्लस जीरो, और फिर इसमें टू माइनस वन यानी वन एड हुआ. फिर आपका x3 क्या है सर, x3 है मेरा माइनस वन प्लस जीरो प्लस वन, ये आपका x3 है, और उसके अंदर क्या एड हुआ, टू एड हुआ. फिर आपको x5 निकालना है, x5 आपका क्या है सर, x5 है मेरा माइनस वन प्लस जीरो प्लस वन प्लस टू, और फिर उसके बाद उसमें क्या एड हुआ, चार में से एक गया, तीन एड हुआ. क्या बात समझ आ रही है? अगर यहां पर ऑब्जर्व करा जाए, अगर यहां पर मैं ऑब्जर्व करूं तो सीन क्या बन रहा है, दैट इज एक्स वन विच इज माइनस वन प्लस जीरो. फिर मैंने कहा एक्स टू लिखो, एक्स टू क्या है माइनस वन प्लस जीरो, और उसमें एड हो रहा है वन. फिर एक्स थ्री क्या आपका, एक्स फोर क्या आपका, ये पूरा पहले तो एक्स थ्री लिखो माइनस वन प्लस जीरो प्लस वन, अब उसमें एड कितना हो रहा है, तीन में से एक गया, दो. फिर एक्स फाइव क्या आपका, एक्स फोर यानी कि माइनस वन प्लस जीरो प्लस वन प्लस टू, और फिर उसमें एड कितना हो रहा है, तीन हो रहा है. तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर जब एक्स टू निकाला तो माइनस वन में जीरो एड हुआ, जब x3 निकाला तो माइनस वन में जीरो प्लस वन एड हुआ, फिर अगले पे गया तो माइनस वन में क्या एड हुआ, जीरो वन टू, फिर माइनस वन में क्या एड हुआ, जीरो वन टू थ्री, राइट. तो सर अगर मुझे हंड्रेड टर्म निकालनी है तो माइनस वन में क्या एड होगा, माइनस वन में एड होगा सर कहां से कहां तक, वन से लेकर के कहां तक, दैट इज अप टू 98 तक एड होगा. आगे बात समझ में सभी को, यस ऑर नो, एक बार बता लो चैट के थ्रू. ऑब्जर्व करना है बस, ठीक है. बस आप क्या करो, x1 लिखो, फिर आप x2 लिखो, फिर आप x3 लिखो, और देखो क्या क्या उसके अंदर ऐड होता जा रहा है, ठीक है. तो आप ये देखोगे कि सर पहले 1 ऐड हो रहा है, ठीक है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, ऐसे ऐसे करके कहानी चल रही है. क्योंकि अगर यहां देखो तो वो क्या कह रहा है, देखो यहां पर क्या कह रहा है, xn plus 1 है यहां पर है, और ये देखो n minus 1 मतलब 1 लूंगा, तो अगर 2 लेता हूं तो 2 minus 1 यानी 1 ऐड होगा, 3 लूंगा तो फिर 2 ऐड होगा, फिर अगली बार में 3 ऐड होगा, फिर अगली बार में 4 ऐड होगा, यहां से पता लग रहा है, ठीक है. तो ये दिख रहा है कि सर नेचुरल नंबर की सीरीज जाएगी. डन है, बात क्लियर है सभी को, अंश वगैरह जो भी बच्चे. डन, नेक्स्ट पे आ जाए. चलो, मुझे लग रहा है स्टिल कुछ डाउट तो रह गया. हाँ, समझ आ गया पक्का सभी को अच्छे से, ठीक है. जैसे मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करने वाला खेल है, ठीक है. चलो नेक्स्ट पे आते हैं, बाकी मैं एक बार ढंग से आपको दिखा देता हूँ. ये देख लो, 100% नहीं आया ना, कोई बात नहीं, एक लास्ट बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा श्योर होना चाहता हूँ, ठीक है. एक मिनट लेके मैं फटाफट से सम अप कर देता हूँ, ठीक है. खुशी देख लेना, देखो एक्स वन कितना सर, माइनस वन. एक्स टू कितना, ये बात कंफर्म है सबको कि सर x2 के लिए क्या करना पड़ेगा, n की जगह 1 लेना पड़ेगा, तो आपका x2 आएगा, जो कि क्या होगा आपका, दैट इज x1 प्लस 2 माइनस 1. x1 कितना है, माइनस 1, और उसके अंदर आपने किया प्लस 1, तो ये आपका x2 है. सॉल्व मत करना, बस इतना लिख के छोड़ो. फिर आ जाओ x3 में, x3 क्या होगा आपका सर, x3 होगा मेरा, क्योंकि अगर आपको x3 निकालना है तो n की जगह आपको 2 लेना पड़ेगा, तो सर ये हो जाएगा मेरा x2 प्लस कितना, x2 2 2, ये 1 माइनस 1 होगा, सॉरी ये होगा 1 माइनस 1, दिस इज 1 माइनस 1 मतलब कि 0. अच्छा, फिर आपको क्या करना है, x3 के लिए x2 के अंदर कितना ऐड करना है आपने, दैट इज सर 2 माइनस 1 करना है, मतलब अच्छा x2 क्या आपका, इस पे ध्यान दो, x2 क्या आपका सर, x2 है मेरा माइनस 1 प्लस 0, ये मेरा x2 है, फिर उसके अंदर क्या ऐड करना है सर, 1 ऐड करना है. फिर आप x4 पे गए तो x4 क्या होगा आपका, दैट इज x3, क्योंकि n प्लस 1 है तो एक कम लिखना है, यानी कि x3 और प्लस 3 माइनस 1. x3 क्या आपका सर, ये आपका x3 है, दैट इज माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1, और उसके अंदर क्या ऐड करना है सर, 2 ऐड करना है, क्योंकि 3 में से एक गया, 2. फिर आप जब x5 निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, x4 के अंदर 4 माइनस 1, यानी अच्छा x4 कितना है सर, माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, ये आपका x4 है, उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा 3. अब आई बात समझ में, ठीक है. अब जब तो मैंने क्या करा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप इस पे ध्यान दो, सिंप्लीफाई नहीं करो, अगर आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो आप फंस जाओगे, सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्योंकि बात है पैटर्न ऑब्जर्व करने की, और अगर आप इसको ऐड करने लग गए कि सर यहां से माइनस वन आएगा, यहां से जीरो आएगा, ऐसे करोगे फिर आप फंस जाओगे, ठीक है. तो यहां पर अब आप बोलो कि सर 100 टर्म क्या होगी, तो सर देखो जब आपको, अब आप देखो कि सर जब आपको x2 लिखना था तो आप माइनस वन के अंदर ऐड कर रहे हो जीरो, जब आपको x3 लिखना है तो आप माइनस वन में ऐड कर रहे हो 0 1, जब आपको x4 लिखना है तो आप माइनस वन में ऐड कर रहे हो 0 1 2, जब आपको x5 लिखना है तो आप माइनस वन में ऐड कर रहे हो 0 1 2 3. तो ऐसे जब आपको x100 लिखना है
तो आप माइनस वन में कितना ऐड करोगे? जैसे एक्स थ्री में आप जीरो से वन तक ऐड कर रहे हो, एक्स फोर में जीरो से टू तक, एक्स फाइव में जीरो से थ्री तक, मतलब दो यूनिट पीछे चल रहे हो, तो इसमें क्या ऐड करोगे? सर इसमें मैं ऐड करूंगा जीरो से लेकर के जीरो वन टू से लेकर के कहां तक, 98 तक ऐड करूंगा। आई गेस अब तो समझ आ गया होगा। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया एन एन प्लस वन बाय टू का, ठीक है, माइनस वन प्लस दैट इज एन एन प्लस वन बाय टू, फिर आप सॉल्व कर लेना 4850 आंसर आएगा, डन है। चलो आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, आज पांच ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप लोग एक बार ट्राई करना, अगर होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कराता हूँ। ये है आपका कैट 21 का क्वेश्चन, ठीक है। थ्री पॉजिटिव इंटीजर एक्स वाई जेड आर इन एपी एंड वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन टू, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू फाइव ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन जेड माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट? ओके, फिलहाल दो बच्चों के आंसर आए। देखो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पे कहता हूं कि x y z ap में है, ठीक है, अगर मैंने आपके सामने एक बात बोली कि भाई एक्स वाई जेड जो है दीज आर इन एपी, ठीक है, तो आपने यहां से एक छोटा सा पॉइंट पहले ये समझना, ठीक है, छोटा सा एक पॉइंट है पहले उसको कैच करते हैं कि सर देखो अगर हमारे एक्स वाई जेड जो है वो एपी में है, ठीक है, और यहां पर एक रिलेशन बोला सर कि एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू फाइव, फिर यहां पर लिखा एक्स प्लस वाई और प्लस जेड और जेड माइनस एक्स, मुझे बताना क्या होगा, गिवन दैट वाई माइनस एक्स जो है वो टू से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये एक दो रिलेशन हमें दे रखे हैं, स्पेशली ये जो हमें दिया हुआ है दैट इज कि y माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है, मतलब 2 से बड़ा है। ओके, आप यार जब भी हम एपी वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, पहले आप इसको समझना कि जब भी हम ऐसे में एपी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं तो एक छोटे से पॉइंट पे आता है। अच्छा, एक वो आपको पता है कि सर जब कभी भी तीन पॉजिटिव इंटीजर है एपी में है तो हम लोग ऐसे लेट करते हैं ना, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये आदत होती है हमारी लेट करने की, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। चलो एक बार उस लॉजिक पे चलते हैं क्योंकि मुझे लगता है कई बच्चे इस वाले ट्रैक पे चले गए होंगे कि सर तीन नंबर अगर एपी में लेट करने हैं तो मान लो ये वाला नंबर ए है तो ये वाला नंबर होगा ए प्लस डी और ये वाला नंबर आपका होगा दैट इज ए माइनस डी। सिंपल सर क्वेश्चन कह रहा है वाई माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन टू, तो वाई क्या आपका दैट इज ए है और माइनस करूंगा अगर मैं दैट इज ए माइनस डी, ठीक है ना, वाई माइनस एक्स मतलब ये करूंगा दैट शुड बी ग्रेटर देन टू, ए से ए कटेगा मतलब डी जो है वो टू से बड़ा है, डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन टू। ओके चलो इस बात को भी पकड़ लिया कि डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन टू, कि यहां पर जो इनके बीच में डिफरेंस होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन टू। ओके आगे समझते हैं, फिर एक बात बोली एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट, भाई इनका प्रोडक्ट निकाल लो, तो सर ये हो जाएगा ए माइनस डी और ए और यहां पर आ जाएगा आपका ए प्लस डी आ जाएगा एंड दैट शुड बी इक्वल टू फाइव और इनको अगर मैं ऐड करूंगा मतलब ए माइनस डी ए और ए प्लस डी को ऐड करूंगा
तो ये मेरा हो जाएगा, दैट इज 3A हो जाएगा। यहां तक मुझे लगता है कि किसी को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, एक बार बताएंगे चैट के थ्रू या सुनो। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, सही। अब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, अब यहां से मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा ए से ये वाला ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ए माइनस डी मेरा क्या था? अब एक बात को समझेंगे, यहां पर जो मेरा ए माइनस डी है वो बेसिकली एक्स है, ठीक है ना, वो बेसिकली एक्स है और मल्टीप्लाई में ए प्लस डी आपका जेड है। तो यहां से पता लग रहा है एक्स और जेड को जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा दैट विल बी 15। सर एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करने पे 15 आएगा, राइट है जी बात? हाँ जी, एक बार ये बताना, ये बात तो क्लियर है सभी को? बढ़िया। अब देखो, अगर x और z का जो प्रोडक्ट है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, पहली बात ये पॉजिटिव इंटीजर है और इनका प्रोडक्ट 15 है, तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो पॉसिबिलिटी बनती है सर 1 और 15, एक पॉसिबिलिटी 1 15 की बनती है, और सर एक पॉसिबिलिटी बनती है 3 5 की। ऐसी पॉसिबल होगा सर? एक होगा आपका 1 15, एक होगा आपका 3 5, ठीक है, ध्यान से देखना आप, यहां से पॉइंट इंटरेस्टिंग है। एक है सर 1 15 और एक होगा सर 3 और 5। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर आपका y माइनस x, अगर जैसे मैंने लिखा x y और z, इसने बोला जो y माइनस x है वो 2 से बड़ा है, मतलब इनके बीच में गैप होगा, d का गैप होगा, है ना, तो यहां पर भी क्या होगा, d का गैप होगा, तो इन दोनों में कितने का गैप होगा सर? इन दोनों में 2d का गैप होगा, 2d का गैप होगा। अगर सर y माइनस x आपका 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, जैसे d इज ग्रेटर देन 2, d जो है वो 2 से बड़ा नंबर है, आपका जो d है सर यहां पे दिख रहा है कि d 2 से बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं 2d। अब क्योंकि आपका जो d है वो 2 से बड़ा है, तो भैया जो 2d है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, आपका 2d 4 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप बोलते हो 115, तो इसका मतलब आप कह रहे हो x की वैल्यू 1 होगी और z की वैल्यू 15 होगी, क्या ये हो सकता है? हां सर हो सकता है। देखो इनके जो गैप है, इनका गैप कितना है दोनों का, इनके बीच में गैप है 14, और 14 4 से बड़ा ना, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो 2d का है, x और z में 2d का गैप है जो 4 से बड़ा होना चाहिए, और 4 से बड़ा है। लेकिन सर अगर मैं x को 3 लेता हूं और z को मैं 5 ले लेता हूं, तो 4 से बड़ा है नहीं, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया और ये वाला केस आपका सिलेक्ट हो गया। अब आपको x पता है, आपको z पता है, तो बात खत्म हो चुकी है। बताओ आया समझ में सभी को, पॉइंट क्लियर है? तो अगर सर x की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू आपकी 15 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप y निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में गैप कितने का, क्योंकि अगर आप ये लेते हो तो दैट मींस आप कहना चाह रहे हो जो 2d है, इनके बीच में गैप था 2d, और 2d को आप ले रहे हो 14, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अगर सर आपका x 1 है तो y 7 ऐड कर दो, 8 होगा, और जो z है वो आपका कितना होगा? अच्छा मुझे बताना क्या वैसे, नहीं नहीं y मैं निकाल क्यों रहा हूँ, बात तो खत्म हो गई है ना, अपने को z माइनस x बताना है ना बस, ठीक है, तो z माइनस x कितना हो जाएगा सर? z माइनस x हो जाएगा 15 में से 1 माइनस कर दो 14 हो जाएगा, ठीक है, तो 14 आंसर है। सर 3a कैसे आया, बिल्कुल बताता हूं मैं, ठीक है। देखो एक बात तो सुचंदा, ये बात मुझे लगता है कि एक हमारे आदत में होती है बात, अगर आपने हम लोगों ने एपी पढ़ा है, कभी भी हमें ऐसा दिखता है कि ये तीन नंबर एपी में है, तो उन तीन नंबर को हम लोग क्या लेट करते हैं, a माइनस डी और a प्लस डी, मानते हो सुचंदा इस बात को कि हम लोग ऐसे लेट करते हैं? तो मैंने क्या किया, जो हमारी आदत है मैं उसी पे चला। क्या आदत है हमारी कि सर कभी भी तीन नंबर एपी में है तो बीच वाले नंबर को हम लोग ए लेते हैं, इसको हम लोग क्या लेंगे ए प्लस डी लेंगे, और इसको हम लोग क्या लेंगे दैट इज सर ए माइनस डी लेंगे, सिंपल राइट। अच्छा अब ये कहता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो, फिर उसने बोला वाई माइनस एक्स जो है वो 2 से बड़ा है, मैंने कहा वाई माइनस एक्स मतलब कि ए, और एक्स माइनस कर दूं, ए माइनस डी माइनस करूं, दैट विल बी ग्रेटर देन 2, तो डी की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होगी, राइट, डी की वैल्यू 2 से बड़ी है, राइट है, सिंपल, यहां तक सही चल रहा है, बढ़िया। तो सर डी की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर होगी। अब इधर आ जाओ, इसने बोला एक्स वाई जेड, भैया एक्स क्या आपका, सर एक्स है आपका ए माइनस डी, उसमें मल्टीप्लाई करो वाई, वाई मतलब ए मल्टीप्लाई किया, जेड मतलब आपने ए प्लस डी मल्टीप्लाई किया, एंड दैट शुड बी 5, और यहां पर क्या आएगा, एक्स मतलब ए माइनस डी, वाई मतलब आपका ए, और ये कितना हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा, राइट है जी। तो फिर यहाँ क्या होगा सुचंदा, डी से डी कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, बेसिकली सर ये हो जाएगा मेरा 5 इंटू में 3a हो जाएगा। अब जब ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर a से वाला a कैंसिल आउट होगा। अच्छा a माइनस डी क्या था, x था, और a प्लस डी कितना था आपका, a प्लस डी मतलब कितना था आपका, दैट इज z, a प्लस डी z था, और ये 5 3s, ये 5 3s कितना हो गया, 15 हो गया। अब ये दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब फ्रैक्शन डेसिमल हो नहीं सकता, तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है,
एक है दैट इज 1 into 15 और एक बनती है 3 into 5, सिंपल। अब एक बात बताओ, अब ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि 115 होगा 35 होगा? तो मैं इस बात पे गया, मैं इस बात पे गया कि भैया अगर मैं एक्स वाई जेड लिखता हूं तो यहां पे डी का गैप, यहां पर डी का गैप, मतलब एक्स और जेड में कितना गैप, 2d का गैप। अब क्योंकि जो आपका डी है वो 2 से बड़ा नंबर है, तो 2d जो होगा वो 4 से बड़ा नंबर होगा। तो अगर आप लेते हो 3, 5, तो 3, 5 का मतलब आप कह रहे हो एक्स की वैल्यू 3 है और जेड की वैल्यू 5 है, पर ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है 2d, मतलब इनका डिफरेंस 4 से बड़ा होना चाहिए, जबकि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का, जबकि डिफरेंस 4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये गलत है। और यहां देखो तो एक्स की वैल्यू 1 होगी और जेड की वैल्यू 15 होगी, ये सही है, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 14 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में 14 का डिफरेंस आ रहा है। और मैंने बोला था डिफरेंस इनका 4 से बड़ा होगा, क्योंकि एक्स वाई का डिफरेंस अगर 2 से बड़ा है तो एक्स जेड का डिफरेंस जो कि 2d है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, विच इज 14। तो सही जा रहा सब कुछ, समझ गए? ठीक है, तो अब मैंने आपसे क्या पूछा था, जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स मतलब 15 - 1 बोले तो 14 हो गया, राइट है। तो यार आज के सेशन में 5 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और हालांकि और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन कल जो होगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं 3 PM सेशन रखूंगा यार आपके, ठीक है ना। अब से ये जो आने वाले, मैं 3-4 दिन का आइडिया दे देता हूँ, आने वाले 3-4 दिन, क्योंकि 40 के अराउंड PYQ, आज तो छोटी क्लास रखी मैंने, बट ऑन एन एवरेज अगर हम 10-10 क्वेश्चन भी एक क्लास में PYQ करेंगे तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे हमें सीक्वेंस सीरीज के PYQ खत्म करने में। क्योंकि पॉइंट है कि आपसे सॉल्व करवाना है मुझे, बस ये नहीं कि मैं आया और सॉल्व करके चला गया, आप लोग पार्टिसिपेटेड रहो, सॉल्व करो, ठीक है। इसलिए तो आज के सेशन में 5 PYQ थे। अब मुझे ये बताओ कि आपको कुछ नया जानने को मिला, आपको ऐसा लगा कि मैंने कुछ अलग सी बात यूज कर दी किसी भी PYQ में, अगर हमने पहला PYQ किया, ठीक है, चाहे वो मैंने पहला PYQ किया, बस आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व करना था, क्वेश्चन ऑब्जर्व किया, AP बना, बात खत्म, क्वेश्चन ऑब्जर्व करने का खेल था। और तो देखो हमें ना यहाँ पर, इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा ना प्रैक्टिकली चीजों से बस ये समझना है कि यार कुछ नया तो नहीं है जानने को मिल रहा, अगर आपको PYQs करके ये देखना है कुछ नया जानने को तो नहीं मिल रहा, अगर नया जानने को नहीं मिल रहा दैट मींस आपने चैप्टर ढंग से पढ़ रखा है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। और जब आपको ये लगे किसी भी चैप्टर के, जब आप प्रैक्टिस करते हो और आपको लगे कि आप उसके 10 में से 8 क्वेश्चन कर देते हो, मतलब आप कहीं से अगर 10 क्वेश्चन ट्राई करते हो और आप उसके 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हो, तो इट मींस आपको अब उस पे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, समझ गए। ये कुछ तरीके हैं चेक करने के कि भाई मेरा चैप्टर पे ग्रिप है या नहीं है। सबसे पहला PYQ करना है, PYQ करके ये देखना हमें कुछ नया जानने को तो नहीं मिल रहा, अगर नया जानने को नहीं मिल रहा है मतलब कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आप एकदम कि भाई ये क्या हो रहा है सर, दोबारा बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो इन दैट केस आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है। दूसरा, अगर आपको लगता है चैप्टर पढ़ रखा है, प्रैक्टिस की बात करें तो अगर आप 10 क्वेश्चन ट्राई करते हो किसी चैप्टर को और अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हो दैट मींस वो चैप्टर आपको आता है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना। तो चलो, पैटर्न वाला नया लगा, आप कल की क्लास में नहीं होगे मेरे ख्याल से दीपांजन, ठीक है ना, कल क्लास में मैंने पैटर्न वाला कराया था, ठीक है, ये जो पैटर्न बेस्ड है ना, आइट्रेटिव सीरीज करके मैंने कराया था, ठीक है दीपांजन, एक बार देखना। चल, हाँ नहीं देखा ना कल का इसीलिए, चलो ठीक है। सर, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द बेसिक्स ऑफ सीक्वेंसेस बट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व देम, हाउ शुड आई प्रैक्टिस, कैन यू प्लीज गाइड मी, इन टुडेस सेशन आई थॉट दैट दीस क्वेश्चंस वर डूएबल बट आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व देम इन वन गो। कशिका, फिर पता है आप कोई भी बुक उठा लो कशिका, मतलब चाहे वो अरुण शर्मा है, चाहे क्वांटम कैट है, किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, मतलब देखो कुछ एक अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा बट सबको पता है 3-4 गिने चुने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और अच्छे इन टर्म्स ऑफ कंटेंट में बात करो, टीचिंग पे, टीचिंग का मुझे नहीं पता यार, ठीक है, रिव्यूज तो ठीक ठाक से मिलते रहते हैं लेकिन हाँ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट अच्छा है, तो उनके जो मटेरियल है उन मटेरियल को आप देख सकते हो। बट एक काम बस ये करना कशिका कि कंप्लीट करना, चाहे अरुण शर्मा की बुक उठाते हो, चाहे क्वांटम कैट उठाते हो, चाहे कोई भी बुक उठाते हो प्रैक्टिस के लिए, तो फिर कंप्लीट पढ़ना, आधा मत करना। कई बार हम लोग क्या करते हैं कोई रेफरेंस बुक में, क्योंकि मैं सही बताऊं ना 80% कंटेंट हर जगह सेम ही है, अगर आप देखोगे 80% चीजें ना हर बुक की या किसी भी इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल बनाया गया है उनमें 80% कंटेंट सेम ही है, डन। तो इसलिए आप किसी भी एक ही बुक को उठा करके उसमें से कंप्लीट क्वेश्चंस करना, समझ गए कशिका, अगर आप कंप्लीट करोगे दैट मींस अच्छा रिवीजन हो गया, ठीक है। DILR मतलब क्या बोलूंगा,
इसको ध्यान रखें। बाकी यार 13th ऑफ जुलाई जैसे मैंने बोला कि 13 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड है, जिसमें कि आपको 20,000 का सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है, 20,800 इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आइकॉनिक जो भी बैच है। मेरा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 13th ऑफ जुलाई से, जिसका नाम है 125 डेज रोड मैप टू कैट 23 कॉम्प्रिहेंसिव बैच। ठीक है, उसमें मैं स्टार्टिंग से ज्योमेट्री पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और ज्योमेट्री जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 8th ऑफ जुलाई से किक स्टार्ट बैच भी है, और एक आपका AIMT होने वाला है, दैट इज 16 और 23rd को 12 बजे। इसमें भी पार्टिसिपेट करना, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, एंड 100 प्लस बच्चे जिन्होंने एम ब्लैक ही कन्वर्ट किया, अदर टॉप एमबीए कॉलेज में 650 प्लस बच्चे पहुंचे। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं और 100% का फी रिफंड है अगर आपने कोई एम कन्वर्ट किया, और अगर नहीं किया तो आपको 1 ईयर तक का एक्सटेंशन आपके सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। प्लस आइकॉनिक करके 2 सब्सक्रिप्शन है, प्लस में इंटरेक्टिव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस पूरी ऐप का, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स पीडीएफ, डिजिटल नोट्स, 25,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनअकैडमी कम्युनिटी, सब देखने को मिलेगा। आइकॉनिक में आपको 8 फिजिकल बुक्स मिलती है, GDPI बैट के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सब ध्यान रखना है। अनअकैडमी के नोट्स इन सब बातों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, और ये है मेरी डिटेल, यू कैपिटल आर कैपिटल अनअकैडमी _ रमन, और ये मेरा रेफरल कोड है। जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो आप इसका यूज कर लेना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। सर मेरे 10th में 55% है तो क्या मुझे दिक्कत होगी? बिल्कुल होगी सरजीत आपको दिक्कत। दिक्कत आपको ये होगी कि आपको सबसे पहली बात बहुत ही अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा, ताकि कैट में जो टॉप आई एम है वो आपको कंसीडर करे, क्योंकि उनके पास आपका सारा ऑलरेडी डेटा होगा, उन्हें पता होगा कि ये बच्चा 10th में 55% लेकर आया है। ठीक है, तो फिर इसका अगर परसेंटाइल बहुत अच्छा होगा तो आपको कॉल आएगी। सेकंड, जब आपके वो एकेडमिक्स वगैरह को चेक करेंगे जहां उन्होंने रखा होगा, वैसे 10th की तो वेटेज सबने हटा दिए काफी लोगों ने, बट स्टिल अगर कोई आई एम 10th की वेटेज पे कुछ मार्क्स दे रहा है, जैसे कि 5 नंबर या कुछ भी नंबर, अगर वो 10th के मार्क्स को वेटेज देना चाहता है, तो वहां पर आपको नंबर 0 मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 बातें ध्यान रखने, 10th में 55% है तो वहां पर सबसे पहला है कि कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल आपको लाना होगा, तभी वो आपको कॉल देंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, फिर आप जब इंटरव्यू के लिए चले गए, तो अगर उन्होंने अपने पैरामीटर में, जैसे कुछ आई एम है उन्होंने अपने पैरामीटर से 10th का स्कोर हटा दिया, कुछ शायद कंसीडर करते हो, और अगर कंसीडर करेंगे तो आउट ऑफ 5 आपको वो 0 नंबर दे देंगे। ठीक है ना, बट वहां परेशान नहीं होना कि अरे मेरे को 0 मिल गया सर, तो बाकी जगहों पे नंबर खींचने आपने। ठीक है, जैसे परसेंटाइल में खींचा, GDPI की अच्छे से तैयारी करी, ताकि वहां पे स्कोर खींच पाओ, ये तरीके होते हैं। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में आगे।